सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि देश में किसी भी मेडिकल कॉलेज को अपनी दादागिरी नहीं चलाने दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कुछ लोगों के लिए यह पैसा कमाने का जरिया हो सकता है, लेकिन कोर्ट को सिर्फ शिक्षा की गुणवत्ता की चिंता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि शिक्षा की गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से सीनियर एडवोकेट विकास सिंह द्वारा कोर्ट को यह बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद यूपी के एक मेडिकल कॉलेज में एमसीआई को निरीक्षण नहीं करने दिया गया। इस पर जस्टिस बोबड़े तथा दीपक गुप्ता की बेंच ने यह टिप्पणी करते हुए चेतावनी दी कि इस कॉलेज में अगले साल दाखिले करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। एमसीआई की रिपोर्ट पर कोर्ट ने बिहार, झारखंड और उत्तराखंड में जवाब मांगा है और बात होगी। प्रकरण यह है कि कुछ कमियों के कारण इन तीनों राज्यों के 8 मेडिकल कॉलेजों को एकेडमिक सेशन 2018-19 में दाखिले करने की अनुमति नहीं मिली थी और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अपवाद के तौर पर इन कॉलेजों को 800 छात्रों का दाखिला करने की इजाजत दी थी। उल्लेखनीय है कि इन दिनों शिक्षा और मेडिकल कॉलेज के मामले में कुछ कॉलेजों ने अपने आप को माफिया बना लिया है और यही कारण है कि इनकी दादागिरी बढ़ती चली जा रही है। इंदौर में भी ऐसे कई कॉलेज हैं जिनके खिलाफ बड़े पैमाने पर घोटाले की शिकायत होने के बाद भी उनका कुछ भी नहीं बिगड़ पा रहा है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।